हाल रशिया ने युक्रेन वच्चे युद्ध चाली रह्युं छे, जेना पगले समग्र विश्व भयना ओथा हेठळ जीववा मजबूर बन्युं छे। तेरे युक्रेन में भणता भारतीय विद्यार्थीओने परत आवा भारत सरकारे प्रयत्नो हाथ धर्या छे, जे अंतर्गत नवापुरनो कशिश जिग्नेश शाह घरे परत फरता परिवारजनोए आंखो भीनी थई हती। हाल समग्र विश्व ने त्रीजा विश्वयुद्ध नो भय सतावी रह्यो छे, जेनु कारण छे रशिया ने युक्रेन वच्चे फाटी निकळेलुं युद्ध। रशिया विश्व में कोई नी वात मानवा तैयार नहीं, जारे युक्रेन शरणागति स्वीकारवा तैयार नहीं, त्यारे त्यां बीजा देशों हजारों लाखों नागरिकों ने विद्यार्थियों युद्ध में फसाया छे, जेमां मोटा भागना भारतीय विद्यार्थी पण हता, जेमने पोताना देश परत लावा केन्द्रनी नरेन्द्र मोदी सरकारे प्रयत्नों हाथ धर्या छे, जे अंतर्गत अनेक विद्यार्थीओ अने देशना नागरिको पोताना वतन पोतानी मातृभूमि पर परत फरी रह्या छे, जे अंतर्गत तापी जिल्लाना नजीक आवेला नवापुरनो वतनी कशिश जिग्नेश शाह, जे डॉक्टरनो अभ्यास करवा युक्रेन गयो हतो, ते आजोज मुंबई एरपोर्ट पर देश परत फरता त्यांथी सीधो पोताना वतन नवापुर खाते आवी पहोंच्यो हतो। जारे तेने जोईने परिवारजनोनी आंखो हर्ष आंखो अश्रुओथी भीनी थई गई हती। आ प्रसंगे दीकराने हेमखेम परत फरेलो जोई माता पिता साथे समग्र परिवार आनंदित थयो हतो अने मोदीजीनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। मेरा परिचय कशिश जिग्नेश शाह, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार, नवापुर का रहने वाला हूँ। यूक्रेन पढ़ने गया था मैं, उज़्गोरोड नेशनल यूनिवर्सिटी है, मेरे कॉलेज का नाम है। उज़्गोरोड सिटी में मैं रहता हूँ, यूक्रेन में आती है ये सिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा, यूक्रेन और रशिया का फाइट चल रहा है, वॉर हो रहा है, डे बाय डे कंटिन्यूसली ये वॉर बिगड़ता ही जा रहा है, कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड है खारकीव में है, क्यू में है, वो अभी भी अटके हैं। तो आई रिक्वेस्ट इंडियन एम्बेसी के प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप एक्शन लीजिए और प्लीज़ उन्हें निकालिए उधर से, बिकॉज उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है उधर। लगे तो आपको चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, स्टूडेंट्स के मेरे पास है, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रा हेल्प कर दीजिए निकालने में, जैसे आपने हमारी हेल्प की। लॉट्स ऑफ थैंक यू टू यू दैट यू टेक लॉट्स ऑफ एक्शन टू रिमूव अस फ्रॉम दिस क्रिटिकल कंडीशन। सो आई एम लॉट्स ऑफ थैंक यू टू इंडियन एम्बेसी, अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अवर टू फेबुलसर्स ऑफ हॉस्टल इंचार्ज अमरिक दिलान सर एंड अभी सर, उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, हमें सपोर्ट दिया कि नहीं वॉर जैसे ही खत्म होगा हम आपको फिर से बुला लेंगे, और टेंशन ना लीजिए, आपकी स्टडी की जिम्मेदारी सब हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, और जैसे कि उनके कंट्रीब्यूशन और इंडियन एम्बेसी के दोनों के मिलाव से हम उज़्गोरोड से बाहर निकले, हंगेरियन बॉर्डर पे थे हम, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया, इंडियन एम्बेसी ने भी बहुत सारा सपोर्ट दिया, और इंडियन एम्बेसी है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उनके ना होने से शायद हम आज नहीं आ पाते। सो आई थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि लॉट्स ऑफ थैंक यू दैट हमको आपने निकाला, और मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आज उनकी फ्लाइट है रात की, मैं पहली बैच में था, उनकी दूसरी बैच है, ऐसे बहुत सारी बैच आ रही है। सो आई थैंक यू अ लॉट दैट यू रिमूव माई एंड माई फ्रेंड्स सेफली, वी मीन्स वी हैव नो प्रॉब्लम इन अवर ट्रैवलिंग जर्नी, सो आई थैंक यू अ लॉट। और हम उधर से आए, फिर हमें 5 to 8 hours के ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग जर्नी थी, फिर हम जैसे बुडापेस्ट में एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे पहुँच के हमारा फ्लाइट था, हम हमारे फ्रेंड्स के लिए थोड़ी देर रुके, हमारी फ्लाइट आई, हम दिल्ली पहुँच गए, हम मीन्स वी फील दैट वी आर सेफ हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ना खाने की प्रॉब्लम हुई है, ना ट्रैवलिंग इश्यू हुआ है, ना किसी ने रोका है, हमने हमारी बस के आगे इंडियन फ्लैग लगा दिया था, तो हम किसी ने नहीं रोका, या मतलब इंडियन फ्लैग में इतनी पावर है ना आज के टाइम पे, क्या कोई आके ऐसा रोकेगा नहीं हमें। इंडिया इज सो पावरफुल सिटी नाउ, बिग थैंक यू फॉर मेकिंग इंडिया सच अ प्राउड सिटी, दैट आई एम फीलिंग सो प्राउड दैट मैं इंडिया का स्टूडेंट हूँ। आज बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट उधर फंसे, કે જેમણે દેશના નાગરિકો આટલી ચિંતા કરી, હજુ પણ ઘણા પરિવાર પોતાના વાલસુયા દીકરાની દીકરીઓની પરત ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે સૌ એક જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આ યુદ્ધ વહેલી તકે શાંત થાય અને ફરીથી લોકોનું જીવન પહેલાની જેમ સ્વતંત્ર અને ખુશીઓ ભર્યું બની રહે। ત્યારે આવો સાંભળી આ વિદ્યાર્થીએ દેશ પરત ફર્યા બાદ શું કહ્યું યુક્રેન વિશે અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિશે। बिंदेश्वरी शाह, हिंट टीवी न्यूज, तापी।